हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सनी वर्मा और मैं अब वीडियोस अपलोड करूंगा अर्पित चौधरी सर के साथ उनके चैनल पे। अर्पित चौधरी सर जो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं, बहुत से आप कंटेंट्स देखेंगे हमारे चैनल पर। हमारा चैनल अब एक मॉडिफाइड स्टेज पे है, हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालेंगे आप लोगों के लिए। और अर्पित चौधरी सर ने एक NDA के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स शुरू किया है जो अप्रैल में NDA होने वाला है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें और देखिए अपने आप को ग्रो करते हुए। हम बहुत से कंटेंट्स आपके लिए लेके आएंगे। ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया है हमने चीज़ों को, सिलेबस को, जिससे आपके लिए आसानी होगी। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें आपको देखने को मिलेगी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी को, स्ट्रेटजी फॉर जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज एक बैकबोन है किसी भी एग्जाम का, एक बैकबोन है। इसको क्रैक करना इजी नहीं है गाइस। इसके अंदर बहुत से सिलेबस हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोडायवर्सिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आगे डिवाइडेड है नेशनल इश्यूज में और इंटरनेशनल इश्यूज में। ये तो रही सिलेबस की बात, क्या इतना ही सिलेबस सफिशिएंट है? देखते हैं आगे हम इस सिलेबस को थोड़ा सा और ओवर सिंप्लीफाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इंटरनल चेंजेस क्या क्या लेके आने हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि हमने इस किताब से इतना पढ़ा, इस किताब से इतना पढ़ा और हमारी तैयारी हो गई। जी नहीं, सबसे पहले हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी होगी। एक होलिस्टिक अप्रोच, या फिर आप उसको कह सकते हैं बिग पिक्चर। आपको चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करना आना चाहिए, पॉलिटिक को हिस्ट्री से रिलेट करना आना चाहिए, हमारी हिस्ट्री को हमारे इकोनॉमिक से रिलेट करना आना चाहिए। तो एक होलिस्टिक अप्रोच आपको पहले इनबिल्ट तैयार करनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे इस सिलेबस की इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, कई लोग शुरू करते हैं प्रियम्बल से और सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर दो फेज आते हैं इसके अंदर, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। जब आप इन चीजों को समझना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे चेंजेस आए हमारे इंडियन पॉलिटी में, डेमोक्रेसी कैसे बनी, एक एक्ट कैसे पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, क्या मतलब है रिपब्लिक का, सोवरेनिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्या फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कैसे आए, इलेक्शन कैसे शुरुआत हुई, इन सब चीजें की शुरुआत यहीं से होती है गाइस। ओके, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद प्रीएम्बल, उसके बाद मेन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। सीधा ही ऐसे नहीं कि आपने यहां से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया पढ़ने के लिए, आपको ये चीजें जानना जरूरी है तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस समझ आएगा। ओके, अब इन चीजों को डिस्कस करना है, उसके लिए आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। इन चीजों को समझने के लिए आप कम समय में ज्यादा कैसे समझ सकते हैं, ये हमने इस कोर्स का हमारा ये मोटिव है कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन अपनी कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री कई लोग कह देते हैं कि हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, या क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के क्या सर सिर्फ मॉडर्न पढ़ना जरूरी है सफिशिएंट है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, आपको शुरुआत एंशिएंट से ही करनी पड़ेगी, उसके बाद मेडिएवल ही पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगी। इनके अंदर कौन से क्वेश्चन एरियाज हैं, कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजों को निग्लेक्ट आप कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए अपना, आपको सब कुछ बताया जाएगा। इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों टॉपिक्स की, आप आर्ट एंड कल्चर जो एक हमने टॉपिक इसमें डाला है सिलेबस,
ये रिलेट हो गया एक दूसरे के साथ, ये रिलेट हो गया एक दूसरे के साथ। आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडर्न के अंदर आपको ट्रिकी क्वेश्चंस जो यूपीएससी की स्पेशलिटी है वो ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत पूछता है, हद से ज्यादा पूछता है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस को आप कैसे बीट कर सकते हैं, और एग्जाम का यही एक मोटिव होता है कि आपने टाइम को कैसे बीट करना है। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सुलझे नहीं होंगे दिमाग से, तब तक आप टाइम को बीट नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर और क्रैक नहीं कर सकते। तो हमारे इस कोर्स में यही बताया जाएगा कि आप टाइम को कैसे बीट कीजिए, ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे समझिए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़िए। और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने चूज करके रखे हुए हैं इसके अंदर। ज्योग्राफी, कई लोग कहते हैं कि सर हम सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के जाएंगे क्या उतना सफिशिएंट रहेगा, जी नहीं। आप शुरुआत कीजिए यूनिवर्स से, यूनिवर्स के बाद आप शुरुआत कीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद मैप रीडिंग। मैप रीडिंग से तकरीबन 3-4 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, 3-4 क्वेश्चंस मैप रीडिंग से हमेशा आते हैं। अब हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सिलेबस सिंप्लीफाइड कर दिया है। आपके पास आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री के साथ ही हमने क्लब कर दिया है, अदरवाइज ये यूपीएससी ने अलग से डिफाइन कर रखा है। बायोडाइवर्सिटी, क्या इसको किसके साथ रिलेट करेंगे हम? यस, हम मैप रीडिंग के साथ इसको रिलेट करेंगे, मतलब कि हम ज्योग्राफी के साथ इसको रिलेट करेंगे, और जल्दी से जल्दी हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यही एक स्ट्रेटजी है, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपको पता लगे एक एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस और उसको इजिली कैसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।